दरअसल मामला सतना जिले के रामपुर बाघेलान तहसील अंतर्गत ग्राम ईटमा कोठार का है, जहां पर आज सभी गांव के किसान मजबूर होकर अमरपाटन रामपुर मार्ग में चक्का जाम कर बैठे, जिसके बाद ट्रांसफॉर्मर बदलने के नारे लगाए जा रहे थे। सूचना मिलने पर रामपुर तहसीलदार सविता यादव और रामपुर जेई पहुंचे, जहां पर पहुंचकर किसानों को जल्द ट्रांसफॉर्मर बदलने का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया। उसके साथ बिजली के वजह से प्याज भी सूख गई थी, जिसका निरीक्षण भी तहसीलदार के द्वारा किया गया। यहाँ धरना दिए आप लोग? धरना दिए बैठे हैं भैया कि मेरी जो फसल पेज में दो तीन 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 एकड़ में पेज लगी हुई है, मेरे किसान भाइयों की फसल सब सूख गई है, एक भी पेज होती नहीं है, पानी पीने के लिए परेशानी है और ट्रांसफार्मर कम से कम एक माह से परेशान है, जल एक लाइट भी जलने के नहीं मिलती है, पानी भी पीने के नहीं मिलता है और जितनी जनता है उतनी सब परेशान है, डब्बा लिए भाग रही है आदमी, कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने सबको और रामपुर गई, सब तक सूचना दी सबको, कोई भाई बोलता है भैया आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, सोमवार को आ जाएगा, कोई देने वाला तैयार नहीं है। मैं इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरी मांग जो है ट्रांसफार्मर और लाइट मेरी पूरी किए जाए, और नहीं की जाएगी तो आज रोड में आत्महत्या हो जाएगी, आज मैं अनशन से नहीं टलूंगी। खबर सतना से, जहां बच्चे को देख महिला तहसीलदार की ममता जागी, धूप में खड़ा बच्चा देखकर सर पर अपना दुपट्टा रखा। अमरपाटन रामपुर मार्ग में धरना प्रदर्शन में परिजनों के साथ शामिल था मासूम बच्चा। तहसीलदार सविता यादव ने धूप में खड़ा बच्चा देखकर अपने पास बुलाकर बच्चे के सर पर अपना दुपट्टा रखा, परिजनों को भी समझाइश दी। तपती धूप को देख रामपुर बघेलान तहसीलदार सविता यादव की ममता जागी फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मैम, आज इन लोगों द्वारा धरना दिया गया, क्या आश्वासन दिया गया? आज सोमवार मंगलवार तक ट्रांसफर की एलिजिबिलिटी चेक करके तत्काल इनका जो है ट्रांसफर रिप्लेस कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को पीने का पानी और अन्य जो दिक्कतें आ रही हैं वो सॉल्व हो जाए। किसानों का कहना मैम, जो प्याज सूख गई है पानी ना रहने, बिजली ना रहने से, उनके मुआवजे की मांग की जा रही है, उसका हम सर्वे करा लेंगे। अगर प्याज सूख गई है, फसल में कोई नुकसान है ना, उसका सर्वे विधिवत करा लेंगे। संवाददाता नंद किशोर सिंह पटेल की रिपोर्ट।